तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है पॉलीनोमियल। ठीक है, चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन पहले पार्ट पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले, जैसे क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा था डिग्री पढ़ा था। ठीक है, डिग्री क्या होता है ये पढ़ा था, उसके साथ साथ कोफिशियंट पढ़े थे, उसके कोफिशियंट फाइंड आउट करना, फिर बाद में उसके टाइप्स थे, फिर जीरोस फाइंड आउट करना सीखे थे। तो अलग अलग चीजें थी, कुछ चीजें तो आप नाइन्थ क्लास में सीख चुके हो, कुछ चीजें हम यहाँ पर टेंथ क्लास में सीखेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि कोई भी पॉलीनोमियल आपको दिया है तो उसकी डिग्री क्या होती है। तो डिग्री मैंने आप लोग को क्लास नाइन्थ में भी समझाया था, डिग्री होता है कोई भी पॉलीनोमियल दिया हो वो पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल टर्म होता है। वेरिएबल टर्म क्या होता है, जैसे अल्फाबेटिकल से इंडिकेट किया गया रहता है, जैसे एक्स हो चाहे टी इंडिकेट किया हो चाहे एस इंडिकेट किया हो, तो ये वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो ये इसकी वैल्यू जो आएगा सॉल्व करने को वेरी करते रहता है टाइम टू टाइम, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू वेरी करेगी। वेरी करना मतलब चेंज होते रहेगा, बदलता रहेगा, इसलिए उसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं। तो वेरिएबल टर्म पे जो मैक्सिमम पावर होता है वो डिग्री होता है। वेरिएबल टर्म पे जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊ, यहाँ पर लिख भी सकते हो डिग्री इज अ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म बोल सकते हो, वेरिएबल टर्म ठीक है ऑफ पॉलीनोमियल वही होता है उसकी डिग्री। समझ में वही क्या होता है उसकी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पर बोलू, जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल दे दिया 2x + 4, इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, x है। ठीक है, वेरिएबल टर्म क्या है, x है, तो इसकी डिग्री x के ऊपर पावर कितना है, 1 है। किसी के ऊपर पावर अगर ना दिया ना तो 1 पावर होता ही है। क्लियर, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। फॉर एग्जाम्पल कोई और दे दिया हो, जैसे दे दिया हो कि x³ दे दिया हो, सिर्फ इतना ही दिया हो, तो वेरिएबल टर्म x है, उसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो उसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। कोई ऐसे दे दिया हो x² + 1 + x³, इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, x है, x और x इधर है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर, कोई अगर ऐसे दे दिया 1 दे दिया, ऐसे दे दिया, तो 1 क्या है, नंबर है, वेरिएबल टर्म इसमें है ही नहीं है। मान लो अगर वेरिएबल टर्म होता इसमें x पे पावर 0 होता, x पे पावर 0 का मतलब 1, समझ में आ रहा है, तो इसके ऊपर पावर कितना है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है ही नहीं है, पावर वेरिएबल टर्म नहीं है, और वेरिएबल टर्म नहीं है इसका मतलब उसके ऊपर पावर 0 रहा होगा। वेरिएबल मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज किया हो। तो बोलिए आपका क्वेश्चन पूछा है सर, नंबर है, नंबर के ऊपर पावर हो और वेरिएबल टर्म के पावर, नंबर के ऊपर पावर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये याद रखना कि नंबर के ऊपर पावर हो उसे कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल के ऊपर पावर जो होता है वो कंसीडर करेंगे, कोई भी नंबर समय में कोई लेना देना है। नंबर क्या होता है, नंबर या तो एक्स के साथ होगा या तो विदाउट एक्स के साथ होगा। एक्स के साथ अगर कोई नंबर है तो उस एक्स का कोफिशियंट और नंबर होता है। ठीक है, ये सब चीजें नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं। और बिना वेरिएबल टर्म के साथ अगर कोई भी नंबर है तो उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। ठीक है, उसके ऊपर पावर 1000 हो 2000 हो उसे कोई लेना देना नहीं है, उससे डिग्री हमारी नहीं पता चलती है। हमारी डिग्री पता चलती है वेरिएबल टर्म पे जो अल्फाबेटिकल लेटर लिखे हुए हैं उसके ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो बताता है उसकी डिग्री। क्लियर हो गया होगा, क्लियर ना। ठीक है, तो ये आपको डिग्री पता चल गया होगा। ओके, डिग्री ये पता चल गई। उसके बाद हम यहाँ पर सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 है उस पॉलीनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर
पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो इस वाले में लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, जिसकी डिग्री वन है, जिसकी डिग्री वन मतलब ए। इस टाइप का अगर आपके सामने क्वेश्चन मिल जाए तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। क्लियर। दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरे की बात कर रहा हूँ, जिसकी डिग्री टू हो, जिसकी डिग्री क्या हो, टू हो, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ये नाम किस लिए रखा गया, क्वाड्रेट से आया नाम, क्वाड्रेट मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर होता है, वहीं से आया है, क्योंकि उसके ऊपर जो वेरिएबल टर्म होता है उसके ऊपर स्क्वायर होगा मैक्सिमम पावर, ठीक है, समझ ना। और जिसकी डिग्री थ्री है, डिग्री थ्री है, उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीजें आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, जीरोज सीखने को मिलेगा, जीरोज क्या होते हैं, ठीक है। तो जीरोज होता है एक्स की वैल्यू, जीरोज क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो इस वाले पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरोज मतलब जीरो नहीं है, जीरोज का मतलब एक्स की वो वैल्यू, ध्यान से समझना, जीरोज का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरो हो जाता है, उस एक्स की वैल्यू को जीरोज बोला जाता है, उस एक्स की वैल्यू को क्या बोला जाता है, जीरोज बोला जाता है। क्लियर, समझ में आया। अब जीरोज निकालने के लिए लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसके लिए आसान है, ठीक है, एक ही मिलेगा, जितने डिग्री होते हैं उतने जीरोज होते हैं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगर जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, तो आपको जितनी डिग्री, डिग्री अगर जिसकी वन है वो है क्या, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, और उसके जीरोज कितने होंगे, वन होंगे, जीरोज कितने होंगे, एक होगा, एक ही वैल्यू आएगी, एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, वन एंड वन, ओनली वन, एक ही आएगी। जिसकी डिग्री टू है, जिसकी डिग्री टू है वो होगा क्वाड्रेटिक, वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके जीरोज कितने आएंगे, टू आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, टू आएंगे, उसमें इंडिकेट करते हैं हम किससे, एक अल्फा से एक बीटा से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर, उसके एक्स की वैल्यू को, एक एक्स की वैल्यू को अल्फा से, एक एक्स की वैल्यू को बीटा से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर, इंडिकेट करना मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास सिक्के हैं तो सिक्कों को वैरायटी अलग अलग दिया गया ना, तो एक का नाम एक रुपया रख दिया, एक का नाम पांच रुपया रख दिया गया, एक का नाम दस रुपया रख दिया गया, तो सिक्कों के जैसे वैरायटी क्यों है, क्योंकि उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, अलग अलग नंबर के साथ नाम दे दिया गया है। वैसे एक्स की दो वैल्यू अगर आ रही है तो उन दोनों का अलग अलग नाम देते हैं, एक अल्फा की वैल्यू है, एक बीटा की वैल्यू है, दो अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिसकी डिग्री थ्री है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, थ्री, उसको एक को इंडिकेट कर देते हैं अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा से इंडिकेट कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये एक मतलब इंडिकेशन सिंबल है, ना कि जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा गामा, लेकिन ज्यादातर यही यूज करते हैं तो हम यही लेके चलते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कोई और भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर भी दे सकते हो उसका नाम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर, ज्यादातर अल्फा बीटा गामा ही यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये फाइंड कैसे होंगे, इम्पोर्टेंट ये आएगा कि ये फाइंड होंगे कैसे, ठीक है, कैसे फाइंड आउट होंगे, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल्स दिए हैं तो उसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि पता तो चल गया कि लीनियर है तो एक जीरो जाएगा, पता चल गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो जाएंगे, लेकिन दो जीरो फाइंड आउट कैसे होंगे, ठीक है, डिग्री है तो उसके क्यूबिक पॉलिनोमियल तीन होंगे, लेकिन फाइंड आउट कैसे होंगे,
तो ये यहाँ पर एक का मैं बताता हूँ, दूसरे का मेथड नाम बताता हूँ। एक का तो इजी है, लीनियर अगर है, सिंपल सा अगर देखो तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ध्यान से समझना, ये कांस्टेंट, फोर क्या है कांस्टेंट टर्म, और टू क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये नाइन्थ क्लास में हम पढ़े हैं। इसमें इसमें यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन, वन, ये इस पॉलिनोमियल में वन क्या है एक्स क्यूब का कोफिशियंट है। इसमें अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है इस पॉलिनोमियल में, वन है, ठीक है। एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या है, वन है। कांस्टेंट टर्म क्या है, वन है। क्लियर, पता चल रहा है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोफिशियंट, इसमें एक मल्टीपल होता ही है, इसमें भी एक मल्टीपल है ही है। इसमें अगर मैं पूछूं एक्स का कोफिशियंट क्या है, जीरो है, एक्स है ही नहीं है तो उसका कोफिशियंट क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट टर्म क्या है, वन, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैं सिर्फ किसका बता रहा हूँ फाइंड आउट करने का, लीनियर का, लीनियर पॉलीनोमियल कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करनी, जीरोज मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे मिलेगा, तो ध्यान देना, ये मिलता है, देखो यहीं से समझ लो, अगर मान लो इसके इक्वल टू मैं अगर जीरो कर दूं तो पहले एक टर्म इधर जाएगा, कांस्टेंट टर्म इधर जाएगा तो माइनस होगा, प्लस अगर इक्वल टू जीरो कर दूं, मैं ये फॉर्मूला कहां से ला रहा हूं, या तो ऐसे सुन सकते हो, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहां से आया वो मैं आपको बताता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, टी प्लस वन ऐसे हो सकता है। कांस्टेंट टर्म क्या है, वन। अभी देखो ये आया फॉर्मूला कैसे, वो थोड़ा बताता हूं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। अब ये टी है, टी है, ठीक है, ये प्लस वन इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वन। टी की वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन। अब यहाँ पे थोड़ा देखो इस फॉर्मूले में रख के देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है, वन, वन रख दिया, माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में, तो माइनस वन। कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब कोफिशियंट ऑफ टी क्या होगा, वन है, तो माइनस वन अपॉन वन क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा। क्लियर हो गया। जैसे कोई और फॉर एग्जांपल में अगर और रखता मैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कोई ले लिया मैंने, तो फाइव एस प्लस फोर एस करके हो गया, इसको निकालते तो क्या करते हैं, अगर इक्वल टू जीरो कर दिया तो फाइव एस इक्वल टू माइनस फोर, फिर s इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस फोर अपॉन फाइव। अब देखो तो थोड़ा फॉर्मूले में रखिए, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, फोर, तो माइनस फोर होगी, ये तो माइनस फॉर्मूले में कांस्टेंट टर्म रख दिए फोर, क्लियर, प्लस फोर है ना, माइनस फोर होता है माइनस फोर लिखते हैं फॉर्मूले, क्लियर। तो ये फोर रख दिए, और कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, फाइव, तो यहाँ फाइव रखते हैं, तो माइनस फोर अपॉन फाइव होता, ये आता। तो ये सोल्यूशन से ये फॉर्मूला बना है, या इस फॉर्मूले से, ये टेक्निक से आता है, क्लियर। तो ये लीनियर वाला तो आसान है कि इस फॉर्मूले में आप रख दिए या इक्वल टू जीरो करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ये सब चीजें सेवेंथ एट से आप सीखते आए हो, ठीक है। लीनियर टर्म दे दिया जाता था, उसमें कोई वेरिएबल टर्म फाइंड आउट करना रहता था, तो आप आराम से फाइंड आउट कर लेते थे। जैसे ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते थे कि टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या करते थे, इसको इधर करते थे, फिर बाद में ये वाला जो रहता है डिवाइड कर देते थे, एक्स की वैल्यू मिल जाता था। ये सब छोटे क्लासों में आप सॉल्व करते आए हो, काम वही करना रहता है। इस पॉलिनोमियल में कुछ वैल्यू अगर जीरोज करनी होती है, जीरोज फाइंड आउट करनी होती है, तो इक्वल टू जीरो कर दो और उसके बाद से सॉल्व कर देते हैं। तो लीनियर के लिए तो ये फॉर्मूला मिल गया, एक ही मिलता है जीरो, इससे एक ही वैल्यू मिलेगी, एक ही जीरोज मिलता है, क्लियर, ये तो पता चल जाता है। दूसरा आता है ना, दूसरा आता है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज्यादातर आपके टेंथ क्लास की अगर मैं बात करूं तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फैक्टर फैक्टर निकाल के हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा है जो बाय फॉर्मूला करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादातर चौथे चैप्टर में आपको यूज करने में आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम उसके जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं। जीरोज को फोर्थ चैप्टर में जाओगे तो रूट भी बोलते हैं उसको, रूट, ठीक है, जीरोज बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है, कई बार इसको सॉल्यूशन भी नाम दे देते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट है, ठीक है।
अब ये इतना अगर आप समझ में आ गया हो तो ये इतने पॉइंट को आप नोट डाउन करें, आगे की पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसमें आपको एक्सरसाइज में काम आ सकते हैं। तो उसमें एक आ जाता है जैसे कि क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। हालांकि एक्सरसाइज हो सकता है 1.2.2 में जरूरत पड़े या 2.1 में जरूरत पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जानते रहो, ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट काम आ जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक का मैं अगर क्वाड्रेटिक के बारे में बात करूं, क्वाड्रेटिक अगर है पॉलीनोमियल तो इसका जनरल जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो क्या होता है, जैसे मान लो पी एक्स अगर है पॉलीनोमियल, एक्स बताता है उसमें वेरिएबल टर्म एक्स है, पी पॉलीनोमियल है, ठीक है, P बताता है पॉलिनोमियल, X बताता है कि वो जो है उसमें वेरिएबल टर्म X है, तो ऐसे जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये जनरल फॉर्म है, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये क्या है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, बी क्या है एक्स का कोफिशियंट है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, क्लियर। अब इसमें दो कंडीशन आती है, एक आता है सम ऑफ जीरो, ये किसलिए होता है, ये फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरो जो होता है ना वो होता है माइनस, ध्यान देना, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखना ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है। अब सम ऑफ जीरो, इसमें जो जीरो होता है ना, जीरो उसको मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि एक अल्फा एक बीटा होता है, क्वाड्रेटिक के दो जीरो होते हैं, एक को अल्फा से इंडिकेट करते हैं एक को बीटा से। सम ऑफ जीरो का मतलब, सम मतलब क्या होता है प्लस करना, तो अल्फा और बीटा जीरो को सम कर दिया, ठीक है, ये माइनस है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है बी है, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए है, तो ये फॉर्मूला एक बन के आ जाता है आपके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्लियर। इसी में एक और चीज आ जाती है, ध्यान से समझना, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पर आया पहला सम ऑफ जीरो, ये दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो क्या क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता क्या है, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे माइनस नहीं है, ध्यान देना, इसमें माइनस है इसमें माइनस नहीं है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब वही होता है मल्टीप्लीकेशन, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो सी अपन ए, मल्टीप्लीकेशन में जो सी अपन ए फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्यूबिक का हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा तो उसमें हम सीख लेंगे, ये है इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो एक दो बार, ना हो तो ये वीडियो को देखो, ठीक है, और इसके जो भी पार्ट है उसको एकदम अच्छे से सजा के लिखो, ठीक है। इसमें कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट करो कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया है। देखो दो बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, दो बच्चे, या तो इसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है वो पूछ लेते हैं, या जैसे किसी को कोई भी मतलब जैसे पार्ट है कुछ थोड़ा डाउट लगा तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छे बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनको जरूरत होता है, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता फिर भी क्वेश्चन का डाउट पूछते ही नहीं है, डाउट है भरपूर पूरा का पूरा डाउट है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, तो ये भी थोड़ी सी एजिटेशन को मिटाकर और आप क्वेश्चन को पूछें, ठीक है, तो ये चीजें नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम आपके सामने लेकर आएंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ एक्सरसाइज हैं वो चीजें करेंगे।
अच्छा एक और पार्ट रह गया, वहां पर मैं यहाँ पर बता दूं क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा एक्सरसाइज 1.1 को, अभी मुझे याद आया तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। हाँ 2.1 की बात कर रहा हूँ, सॉरी अभी 1 याद आ रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो एक्सरसाइज आसानी से 2.1 कम्प्लीट हो जाएगा। आई थिंक 2.1 में कुछ है ही नहीं है, बस ग्राफ से रिलेटेड है और ग्राफ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर 2.2 भी कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ क्या है वो थोड़ा सा देखिए कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ग्राफ से रिलेटेड जीरोज फाइंड आउट करना, फाइंड जीरोज जीरोज बाय ग्राफ, ठीक है। अब देखो ग्राफ से किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं जीरोज को, तो थोड़ा सा ध्यान देना, नंबर ऑफ जीरोज, हाँ नंबर ऑफ जीरोज बताएगा ये, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज बताएगा कितने जीरोज होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरोज के बेस पे ये भी बता सकते हो कि किस तरीके का वो, किस तरीके का वो पॉलिनोमियल है, क्लियर ना, किस तरीके का पॉलिनोमियल वो भी बता सकते हो। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आपके सामने ऐसे दिया हो वाई इक्वल टू पी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, वाई इक्वल टू पी एक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब पी एक्स जैसे ये वाला कोई लिख दिया, ये है ठीक है, तो वाई इक्वल टू ये है ऐसे करके दे दिया हो, जब y इक्वल टू लीनियर वाला दे दिया y इक्वल टू 2x प्लस c ऐसे करके दे दिया हो, तो अगर इस तरीके का आपको दिखने को मिले, मतलब मेरा जो ये पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में अगर है तो उसके जीरोज क्या होंगे वो यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि ये है तुम्हारा y कोऑर्डिनेट, ध्यान देना ये y कोऑर्डिनेट है, ये है आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोई अगर लाइन है, ध्यान से समझना, एक मेरी ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन मुझे आप बताएंगे कि जो x एक्सिस है उसको कितने प्लेस पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कितने प्लेस पे कर रहा है, ये x की लाइन है, ये मेरी l लाइन है, ठीक है। l लाइन मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये इसका लाइन का इक्वेशन है, समझ में, लाइन का इक्वेशन है, तो या कुछ भी लिखा होगा तो वो इसे जो लिखा होगा इसी तरह का डायग्राम बनेगा। तो अगर इस तरीके का है एक्स एक्सिस पे कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट किया, सिर्फ एक ही जगह पे और कहीं इंटरसेक्ट किया नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, एक होगा, वन होगा, ठीक है। अगर मान लो इसी में मैंने एक और ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते, ये है वाई, ये है एक्स, ठीक है, ये एक्स एस, ये वाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके का कोई हो ऐसे, ठीक है, आपके सामने इस तरीके का आपके सामने कोई डायग्राम ड्रॉ है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यही एक्स एक्सिस है, इसको कितनी जगह पर कट किया, यहाँ और यहाँ पे, टू, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, जीरोज कितने हो गए, ये दिख रहा है क्या इसमें, नहीं दिख रहा ना, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ जीरोज टू। तो ऐसे ग्राफ में आप समझ सकते हो, जब ध्यान देना y इक्वल टू पी एक्स हो, जब पॉलिनोमियल x के फॉर्म में हो, ठीक है, इस तरीके का अगर दिया हो, मतलब मेरा जो जो भी आपका डायग्राम है वो x एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बाकी इलेवंथ में जाओगे ना तो इसमें दोनों टाइप में आता है, x इक्वल टू पी वाई करके भी देता है, x इक्वल टू पी वाई मतलब पॉलिनोमियल y के फॉर्म में है, और जब पॉलिनोमियल y के फॉर्म में है तो हम चेक करते हैं वाई एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया है, तो वो नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं। बट यहाँ पे वाई इक्वल टू पी एक्स है, मतलब मेरा पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, x वेरिएबल के फॉर्म में है, इसका मतलब मैं x एक्सिस पे देखूंगा कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक और छोटा सा डायग्राम यहाँ मैं यहाँ पर बनाकर रख रहा हूँ, ये x है, ये y है, एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, अब बताओ तो मुझे x एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, वन हो गए, ठीक है, वन हो गए। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखना है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, वन हो गए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया ग्राफ का, ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट समझ में आ गया, तो ये चीजें नोट डाउन करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, तो थैंक यू।